मूवी की कहानी की शुरुआत में हम देख रहे हैं एरिया 51 को, जहां से मिलिट्री एक बड़े से कंटेनर को लेकर कहीं जा रही थी। ट्रक में बैठे सोल्जर को भी नहीं पता था कि आखिर कंटेनर में क्या है। उन्हें लग रहा था कि शायद इसमें एलियन या फिर कुछ और हो सकता है। अब हम देख रहे हैं कि जिस सड़क से मिलिट्री की गाड़ियां जा रही है, उसी सड़क पर हमें आगे एक कपल को दिखाया जाता है जो अपनी नई शादी को लेकर फुल एंजॉय कर रहे होते हैं। उनकी गाड़ी सड़क के बीचों बीच होती है, इसलिए मिलिट्री के ट्रक के सामने अचानक आ जाती है और एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें कंटेनर उछलकर दूर गिर जाता है, जिसके बाद एक सोल्जर ये घटना तुरंत अपने हेड ऑफिसर को देता है। घटना सुनते ही हेड ऑफिसर उन सोल्जर को वहां से तुरंत भागने को कहता है, क्योंकि उस कंटेनर में एक जोम्बी था जिसे सरकार ने एक्सपेरिमेंट करके बनाया था, जिसका नाम जीउस था। अब वह आजाद हो चुका था। इससे पहले कि सोल्जर कुछ समझ पाते, वह जोम्बी बाहर निकलता है और सभी सोल्जर को मार देता है, और थोड़े ही समय बाद मरे हुए सोल्जर भी जोम्बी बन जाते हैं, जिसके बाद मुख्य जोम्बी जीउस बाकी सारे जोम्बियों को लेकर शहर की तरफ निकल पड़ता है और वहां जाकर तबाही मचाना शुरू कर देता है। और धीरे धीरे उस शहर के सारे लोग जोम्बी बन जाते हैं और सिर्फ वही लोग बच पाते हैं जो या तो बंदूक चलाना जानते थे या फिर कैसे भी करके उन जोम्बियों से सर्वाइव कर सकते थे। सरकार भी इन जोम्बीज को खत्म करने के पूरे प्रयास करती है, लेकिन इनकी तादाद इतनी बढ़ गई थी कि अब कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। और आखिरकार गवर्नमेंट ने हार मानकर पूरे शहर को चारों तरफ से बंद कर दिया था, ताकि कोई भी जोम्बी बाहर ना आ सके। अब हम कुछ महीनों बाद टीवी पर न्यूज देख रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट जल्द ही उस शहर पर परमाणु बम गिराने वाली है, जिसे सारे जोम्बियों का सफाया हो जाएगा। अब हमें स्कॉट को दिखाया जाता है जो उस शहर से बचकर आया था, जो अभी एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा है। तभी उससे मिलने एक आदमी आता है जिसका नाम बेली होता है। वह स्कॉट से कहता है कि करीब 200 मिलियन डॉलर की भारी रकम उस शहर में है जो उसकी है, और वह वहाँ पर सड़ रही है और सिर्फ 96 घंटे ही बचे हैं, जिसके बाद वह राख हो जाएगी। इसलिए वह चाहता था कि स्कॉट अपनी टीम के साथ वहाँ पर जाए और उस पैसे को लेकर आए, जिसके बदले में वह स्कॉट को 50 मिलियन डॉलर देगा। थोड़ा सोचने के बाद स्कॉट पैसे लाने के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि उसे भी पैसों की जरूरत थी। अब हमें उस जोम्बी शहर के बाहर लगे कैंपों को दिखाया जाता है, जहाँ बेघर और गरीब लोगों की मदद की जा रही थी। अब हम केट को देखते हैं जो वहाँ पर काम कर रही थी। आपको बता दें कि केट स्कॉट की ही बेटी होती है। तभी केट के पास उसकी दोस्त गीता आती है। वह कहती है कि वह शहर में जाकर कुछ पैसे चुराना चाहती है, ताकि वह अपने बच्चों का फ्यूचर सुधार सकें। केट गीता को अंदर जाने से मना करती है, क्योंकि वहाँ बहुत खतरा था। काफी लोग थे जो शहर के अंदर जाकर पैसे चुराने की कोशिश कर रहे थे। अब हम वहाँ पर लिली को देखते हैं, जो कई बार उन जोम्बीज के बीच यानी उस शहर में जाकर आई थी। और साथ ही में हम एक गार्ड बर्ट को भी देखते हैं, जो हमेशा किसी न किसी को छेड़ता रहता था। अब हमें स्कॉट को दिखाया जाता है जो अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा था, क्योंकि उसी ने उसे मारा था, क्योंकि वह जोम्बी बन गई थी। खैर, इन सब बातों को छोड़कर स्कॉट अब अपनी टीम तैयार करने में लग जाता है। स्कॉट अब अपने पुराने दोस्त मारिया और वेंडरो को अपनी टीम में शामिल करता है। अब स्कॉट फिटर के पास जाता है, जो एक पायलट और मैकेनिक थी। वह भी पैसों के लालच में आकर हाँ कर देती है। अब वह लोग माइकी के पास जाते हैं, जो एक साफ शूटर था, यानी उसका निशाना कभी भी नहीं चुका था। अब उन लोगों के साथ उसकी एक और दोस्त चैम्बर्स भी शामिल हो जाती है, और आखिर में ये सब लोग मिलकर लुडविक के पास जाते हैं, जो तिजोरी के लोग खोलने में माहिर था। पूरी टीम लेकर स्कॉट अब बेली टन्नाका के पास जाता है, जो उन्हें प्लान बताता है। वह कहता है कि तुम लोगों को शहर में पैदल घुसना होगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर वहाँ पर नहीं जा सकता है। बाद में उन्हें पैसों वाली जगह पर पहुँचना होगा और वहाँ से पैसे लेकर बिल्डिंग की छत पर आना है, जहाँ पर एक हेलीकॉप्टर उनका इंतजार कर रहा होगा और उसमें बैठकर उन्हें आना है। हालांकि ये प्लान सुनने में बहुत ही आसान लग रहा है, लेकिन ये इतना आसान होने वाला है नहीं। बेली टन्नाका अपने गार्ड मार्टिन को भी उनके साथ भेजता है, ताकि वे उन सब लोगों पर नजर रख सकें। अब स्कॉट अपनी बेटी केट के पास जाता है, क्योंकि वही उन्हें उस शहर में घुसा सकती थी। हालांकि वह उनकी बात नहीं मानती है, लेकिन उसके पिता उसे बहुत समझाते हैं, तब जाकर वह मान जाती है। स्कॉट लिली को भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है, क्योंकि वह उन जोम्बीज के बारे में बहुत जानती थी। केट को पता चलता है कि उसकी दोस्त गीता भी उस शहर के अंदर जा चुकी है और वह अभी वापस नहीं आई है।
इसलिए केट अपने पिता से कहती है कि वह भी उनके साथ चलेगी क्योंकि वह अपने दोस्त को वापस लाना चाहती है। स्कॉट बहुत समझाता है लेकिन वह नहीं मानती है और आखिर में स्कॉट मान जाता है लेकिन कहता है कि उसे हर वक्त उसके साथ में रहना होगा और किसी भी हालत में पैसों को छोड़कर गीता को ढूंढने वे लोग नहीं जाएंगे। इधर लिली उस हरामी सिक्योरिटी गार्ड बर्ट को भी अपने साथ में ले लेती है। अब ये सारे लोग मिलकर उस शहर के अंदर जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि शहर के अंदर हजारों ज़ॉम्बी उनका इंतजार कर रहे होंगे लेकिन अंदर जाकर देखते हैं कि वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ बस ज़ॉम्बीज की बॉडी पड़ी थी। तब लिली कहती है कि ये ज़ॉम्बी तेज धूप के कारण पड़े हैं, अगर यहाँ पर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो ये फिर से उठ खड़े होंगे और हमला करेंगे। अब ये लोग थोड़ा अंदर जाते हैं तो उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। वे सारे लोग गाड़ी के पीछे छुप जाते हैं। वे देखते हैं कि वह आवाज एक टाइगर की थी जो ज़ॉम्बी है। वह टाइगर ज़ॉम्बी थोड़ी देर इधर उधर भटकने के बाद वहां से चला जाता है। अब वे लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तब अचानक लिली बर्ट के पैर में गोली मार देती है और उन लोगों को बताती है कि यहाँ पर दो तरह के ज़ॉम्बी रहते हैं, एक टाइप के तो सिर्फ खाना जानते हैं और दूसरे टाइप के ज़ॉम्बी चालाक होते हैं। वह उन लोगों को खाना ऊपर करेगी जिससे वे ज़ॉम्बी खुश हो जाएंगे, जिसके बाद वे लोग शांति से उनके इलाके में अपना काम कर सकते हैं। लिली कहती है कि इसी वजह से वे बर्ट को साथ लाई थी ताकि वे उसका इस्तेमाल चारे की तरह कर सके। वैसे भी बर्ट कैंप में औरतों का रेप किया करता था इसलिए कोई भी उसका सपोर्ट नहीं करता है और सब पीछे हट जाते हैं। तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी लेडी आती है जिसका नाम क्यून होता है। वह उन लोगों से खुश हो जाती है और बर्ट को अपने साथ लेकर बिल्डिंग में चली जाती है। अब हम देखते हैं कि उस बिल्डिंग में बहुत सारे ज़ॉम्बी थे और उन सब का लीडर था ज्यूस, जो वहाँ पर आता है। ज्यूस बर्ट को काट कर उसे भी एक होशियार ज़ॉम्बी बना देता है। उधर हम वापस देखते हैं कि स्कॉट और उसकी टीम पैसों की तरफ आगे बढ़ रही थी और रास्ता लिली दिखा रही थी। रास्ते में उन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बी दिखते हैं जो इतने घातक नहीं होते हैं, जो फिलहाल सो रहे हैं। अब इन लोगों में से चैम्बर्स और मार्टिन की बिल्कुल भी नहीं बन रही थी, इसलिए धोखे से मार्टिन चैम्बर्स को दूसरे रास्ते पर भेज देता है और जाने अनजाने में चैम्बर्स ज़ॉम्बियों से घिर जाती है। वह उन ज़ॉम्बियों पर गोली चलाना शुरू करती है जिस कारण बाकी सोरे ज़ॉम्बी भी जाग जाते हैं और चैम्बर उन ज़ॉम्बियों से लड़ते लड़ते किसी तरह बिल्डिंग से बाहर आ जाती है। लेकिन हमें पता चलता है कि चैम्बर्स को भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था और अब वे इन्फेक्टेड थी। ये सब कुछ मार्टिन देखता है और वह चैम्बर्स पर लगे गैस टैंक पर शूट करता है जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और बहुत सारे ज़ॉम्बी मारे जाते हैं। अब किसी को नहीं पता चलता है कि ये सारा कारनामा मार्टिन ने किया है, जिसके बाद ये लोग उस पैसों वाली बिल्डिंग तक पहुंचते हैं जहां उन्हें एक और मैप मिलता है। अब स्कॉट समझ जाता है कि यहां पर बहुत सारे लोग पहले भी इन पैसों को लेने आए थे और कोई भी वापस जिंदा नहीं गया, जिसके बाद वे सभी लोग अपने काम पर लग जाते हैं। स्कॉट और केट पावर हाउस के पास जाकर बिल्डिंग की लाइट्स ऑन कर देते हैं और पीटर छत पर जाकर हेलीकॉप्टर के पास जाती है। वह देखती है कि हेलीकॉप्टर काफी बिगड़ा हुआ था, वह उसे ठीक करने में लग जाती है। अब लुडविग और वेंडोर और माइकी बोर्ड के पास जाते हैं, वहीं मार्टिन कहता है कि वो और लिली पैरा देंगे। लेकिन मार्टिन का इस मिशन में एक अलग ही रोल था। वह और लिली हवा में गोली चलाते हैं जिसकी आवाज सुनकर वह लेडी ज़ॉम्बी क्यून और उसके साथी वहां पर आ जाते हैं। लेकिन मार्टिन किसी तरह उस लेडी ज़ॉम्बी को घायल कर उसका गला काट लेता है और उसे थैली में डाल देता है। मार्टिन लिली से कहता है कि टनाका इसके सर को करोड़ों रुपए में बेचेगा क्योंकि इसके सर से बाकी सभी ज़ॉम्बी काबू में रहेंगे। और ये बात लिली को भी अब पता चली थी कि मार्टिन किसी और मकसद से उनके साथ आया था। उधर उस बिल्डिंग में बहुत सारे ज़ॉम्बियों का सामना होता है। दरअसल ये ज़ॉम्बी वही लोग है जो इन पैसों को लूटने पहले बिल्डिंग में आए थे और अब वह सभी ज़ॉम्बी बन चुके हैं। लुडविग बाकी लोगों को बताता है कि हमें पैसों के रास्ते में बहुत सारे ट्रैप्स को फेस करना होगा, नहीं तो हम मारे जाएंगे। इसलिए वे एक ज़ॉम्बी को रास्ते में पहले आगे भेजते हैं, जिस कारण रास्ते में बिछे गए सारे जालों के बारे में उन्हें पता चल जाता है। उधर पीछे के लोग टीवी पर देख रहे हैं कि सरकार ने परमाणु बम गिराने का समय बदल दिया है। अब वे लोग परमाणु बम को 4 दिनों में नहीं बल्कि 1 घंटे के अंदर गिराने वाले हैं। इस कारण वे लोग पैसों को निकालने की जल्दी करते हैं और आखिरकार वे लोग उस पैसों की तिजोरी को खोल लेते हैं जिसमें पैसे ही पैसे थे। बार ज्यूस ज़ॉम्बी अपनी सेना लेकर अपने क्यून को ढूंढने आ गया था।
वे लेडी जो भी उसकी पत्नी थी जिसका नाम क्यों था, उसका गला कटा हुआ देखकर वह पागल हो जाता है। वह उसकी बॉडी को अपनी बिल्डिंग में लाता है और देखता है कि उसके साथ उसका बच्चा भी मर गया था जो उसके पेट में था। इसलिए वह और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और सारे ज़ॉम्बियों को स्कॉट और उसके साथियों पर हमला करने की इजाजत दे देता है। लड़ाई के दौरान सबसे पहले मारिया मारी जाती है और मौका देखकर मार्टिन अपने सभी बाकी साथियों को लॉकर रूम में बंद करके भाग जाता है। लेकिन वह भागकर जाता तो कहां, बाहर वह टाइगर उसका इंतजार कर रहा था जो उसे मार डालता है। तभी हमें पता चलता है कि उसके बैग में क्यून का सर नहीं था, क्योंकि लिली ने उसे चेंज कर दिया था। उधर ज्यूस भी लॉकर रूम में घुस जाता है जहाँ पर वह लुडविग वेंड्रो पर अटैक करता है, जहाँ लुडविग वेंड्रो को लॉकर में बंद कर देता है और खुद जाकर ज्यूस से भिड़ जाता है। उधर स्कॉट, माइकी और लिली ज़ॉम्बीज को मारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जब माइकी पर ज़ॉम्बी हमला करते हैं तो माइकी भी अपने आप को बम से उड़ा लेता है, जिस वजह से बहुत सारे ज़ॉम्बी मारे जाते हैं। आखिर में स्कॉट और लिली छत पर पहुंच जाते हैं जहां हेलीकॉप्टर उड़ने के लिए तैयार था, लेकिन जैसे ही वे बैठने वाले होते हैं ज्यूस आ जाता है। लेकिन लिली अपने बैग में से क्यून का सर निकालती है और उसके आगे करती है। लिली स्कॉट को कहती है कि तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं इसे रोक के रखती हूँ। स्कॉट और पीटर हेलीकॉप्टर लेकर वहाँ से उड़ जाते हैं। तभी ज्यूस लिली पर भाला फेंकता है जो लिली के आर पार हो जाता है, जिस कारण क्यून का सिर लिली के हाथ से नीचे गिरता है और वह बिखर जाता है। अब स्कॉट अपनी बेटी केट को बचाने के लिए टावर की तरफ निकल पड़ता है। वहां हम देखते हैं कि टावर में केट, गीता और दो अन्य महिलाएं थी। वे लोग टावर की छत पर आते हैं, लेकिन तब तक वहां पर ज्यूस भी आ चुका था। वह उन पर ज़ॉम्बी छोड़ देता है, लेकिन वहां पर स्कॉट भी आ जाता है और वह उनसे लड़ता हुआ केट और उसके साथियों को बचा लेता है। और अब स्कॉट और उसके साथी जैसे ही हेलीकॉप्टर में बैठकर उड़ने वाले होते हैं कि ज्यूस वहां आता है और हेलीकॉप्टर को हवा में ही पकड़ देता है, जिस कारण हेलीकॉप्टर का बैलेंस भी बिगड़ रहा था। लेकिन वे किसी तरह हेलीकॉप्टर को शहर से बाहर निकाल लेते हैं। अब स्कॉट ज्यूस के सर में गोली मारता है, लेकिन तब तक ज्यूस स्कॉट को काट चुका था, जिस कारण वे इन्फेक्टेड हो गया। बहुत दूर जाकर उनका हेलीकॉप्टर भी जमीन पर गिरता है। उधर हम पीछे देखते हैं कि तब तक सरकार ने भी शहर पर परमाणु बम गिरा दिया था और पूरा शहर तबाह हो गया। अब हम देख रहे हैं स्कॉट भी ज़ॉम्बी बन रहा था। केट जो उसकी बेटी है वह आती है और वो अपने पिता से माफी मांगते हुए उनकी सर में गोली मार देती है, जिस कारण सारे ज़ॉम्बी खत्म हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहां पर मिलिट्री का हेलीकॉप्टर आता है और वह उन लोगों को वहां से ले जाता है। अब हम शहर को देखते हैं जहां सब कुछ तबाह हो गया था। तभी हमें वेंड्रो को बाहर निकलता हुआ दिखाया जाता है, जो मरा नहीं था क्योंकि वह लॉकर में बंद था, जिस कारण उस पर परमाणु बम का भी असर नहीं पड़ा। वह पैसों से भरे हुए बैग को लेकर वहां से निकल जाता है और वह मेक्सिको के लिए फ्लाइट बुक करता है। हवाई जहाज के अंदर वेंड्रो अपने हाथ को देखता है। वह देखता है कि उसे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था और वह इन्फेक्टेड था, क्योंकि लड़ाई के दौरान वह कहीं ना कहीं ज़ॉम्बी का शिकार बन गया। और उसे अब पता चला, सरकार को लग रहा था कि सभी ज़ॉम्बी खत्म हो चुके हैं, लेकिन वेंड्रो अब फिर से एक नया ज़ॉम्बी बनने वाला है। और यहीं पर हमारी मूवी समाप्त हो जाती है। अगर हमारी ये कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। धन्यवाद।